हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय सेल्फ डॉक्टर संगीता। सो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल और हेयर लॉस की। सो जो कि बहुत कॉमनली आज की डेट में यंग एडल्ट्स, यंग मेल फीमेल्स में देखा जाता है। तो हेयर फॉल क्या होता है और हेयर लॉस क्या होता है? तो हेयर लॉस और हेयर फॉल में फ़र्क है। हेयर फॉल क्या होता है कि कुछ बाल टूटना और टूट के वापस आ जाना, वो नॉर्मल होता है। हेयर लॉस क्या होता है? हेयर लॉस में होता है जो बाल टूट के गिर रहे हैं वो वापसी नहीं आते। इट मींस आपको थिनिंग आपके क्राउन एरिया पे, इट मींस इस पोर्शन पे दिखना शुरू हो जाती है। फीमेल्स में जो पोनी का डायमीटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो जनरली 13% जो वीमेन होते हैं एट द एज ऑफ वाइल दे अटेनिंग द एज ऑफ देयर मेनोपॉज, तो उन्हें 13% हेयर लॉस हो जाता है, जबकि ये जो परसेंटेज है मेल में इंक्रीज हो जाती है 25%। मेल्स को अर्ली 20s में हेयर लॉस हो जाता है, इट मीन्स टीन एज में ही हेयर लॉस हो जाता है। सो 50 से 100 बाल गिरना जनरली नॉर्मल होता है, चाहे कॉम्बिंग में हो, वॉशिंग में हो, ऑयलिंग में हो, दैट्स नॉर्मल। बट इफ अ पर्सन इज लूजिंग कंटिन्यूसली मोर देन 100 स्ट्रैंड्स पर डे एंड मोर देन 3 months, दैट कैन बी कॉल्ड एज हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। सो अगर हम कॉजेज की बात करते हैं तो क्या कॉमन कॉजेज है जिससे आपको हेयर लॉस होता है? सो पहला कॉज हेरिडिटरी हो सकता है। हेरिडिटरी में जैसे हम कह सकते हैं इट इज जेनेटिक। लाइक अगर आपकी फैमिली में मदर या फादर की साइड से इधर कोई भी आपका रिलेटिव को हेयर लॉस है या बोल्डनेस है, तो चांसेस है कि आप भी बोल्ड हो सकते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज हॉर्मोनल इम्बेलेंसेज हो सकते हैं, वो स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकते हैं मेल फीमेल में। और फीमेल में कॉमनली जैसे डिलीवरी के बाद हेयर में हेयर लॉस होता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या किसी फीमेल को थायराइड होने की वजह से या मेल को थायराइड होने की वजह से हेयर थिनिंग या हेयर लॉस होता है। एंड कॉमनली फीमेल में PCOS, PCOD जैसी प्रॉब्लम में हेयर थिनिंग हेयर लॉस होता है। थर्ड कैन बी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। सो फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है, जिसकी वजह से जनरली हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में फीमेल्स को हेयर थिनिंग या हेयर लॉस होता है एंड टीनेज पे होता है। एंड और भी अदर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सफिशेंट अमाउंट में अगर हम डेली अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट ना लें, जैसे प्रोटीन, आयरन हो गया जो ज़रूरी है हेयर के लिए, बायोटिन हो गया या फॉलिक एसिड हो गया, अगर वो हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो उसकी वजह से भी हेयर थिनिंग या हेयर लॉस होता है। फोर्थ कैन बी एनी मेडिकल कंडीशन, इट कैन बी लाइक यू कैन से थायराइड, इट कैन बी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या इनकी मेडिकेशन को रिलेट करके भी, लाइक जो लोग लंबे समय से इनकी मेडिकेशंस ले रहे हैं उनको भी हेयर थिनिंग या हेयर लॉस हो जाता है। सेकेंड, किसी को भी अगर एक्यूट मेजर इलनेस होता है जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया के फीवर्स के बाद भी पेशेंट्स को काफ़ी बार हेयर लॉस या हेयर थिनिंग हो जाती है। फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेस, जो कि आज की डेट में हर किसी पर्सन को है, जिसकी वजह से भी बॉडी में मेल और फीमेल के चेंजेस आते हैं। एंड अदर कंडीशंस बहुत कॉमन है, जैसे आज की डेट में लोग पार्लर सलोन्स बहुत जाते हैं, जैसे मेल हो गए, फीमेल्स हो गए, दोनों ही आजकल इक्विवेलेंटली सलोन्स जाते हैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए, गुड लुकिंग के लिए। तो जिसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने स्कैल्प को एक्सपोज करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से, रिकरेंट कलर कराना, रिकरेंट हेयर स्ट्रेटन अप करना, या केमिकल सप्लाई करना लाइक जेल्स, वैक्स, जिसकी वजह से भी हेयर थिनिंग या हेयर लॉस हो जाता है। सो ये है कॉजेज जिसकी वजह से हेयर लॉस आपको होता है। अब हम टाइप की बात करते हैं, तो टाइप में होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें क्या होता है, जिसको मेल पैटर्न बोल्डनेस और फीमेल पैटर्न बोल्डनेस भी बोलते हैं। सो मेल में क्या होता है कि जो मेल में होता है अर्ली 20s में उनको हेयर लॉस हो जाता है, जिसको हम मेल पैटर्न बोल्डनेस कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। फीमेल में जो फीमेल पैटर्न बोल्डनेस होता है उसमें आपका लेटर 40s में हेयर लॉस होता है या हेयर थिनिंग होता है। सो मेल की बात करते हैं तो मेल में ज़्यादातर जो होता है हेयर लॉस वो क्राउन एरिया से होता है, आपका हेयर थिनिंग हो जाता है इस पोर्शन से, प्लस आपको हेयर लाइन रिसीड होती है, साइड से रिसीड होती चली जाती है। एंड इन फीमेल आपका मार्जिन पैटर्न लॉस होता है, इट मींस जो फीमेल सेंट्रल मार्जिन निकालती है वो वाइडन अप होती है, चौड़ी होती चली जाती है, प्लस टेम्पल से थिनिंग हो जाती है, टेम्पल इज दिस पोर्शन। सो यहाँ से भी हेयर थिनिंग फीमेल्स को हो जाती है, किसी किसी फीमेल को हेयर लाइन आगे से फ्रंटल एसोसिएशन होती है, आगे से भी हेयर पीछे चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा टाइप ऑफ हेयर लॉस है दैट इज एलोपेशिया। सो एलोपेशिया कैन बी ऑटो इम्यून एज वेल एंड इट कैन बी सम मेडिकल डिजीज ओरिएंटेड एज वेल। सो एलोपेशिया इज 3 टाइप का होता है, एलोपेशिया एरियाटा,
एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस एलोपेशिया टोटालिस। सो अब एक बार एक एक करके बताती हूँ सबके बारे में। सो पहली डिजीज इज एलोपेशिया एरियाटा, जो कि जनरली यंग मेल्स में और बच्चों में भी देखी जाती है, जिसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन पैच में अपना हेयर निकल जाता है स्कैल्प से। काफी बार पेशेंट को एक दो पैचेस होते हैं, काफी बार पेशेंट्स को वो सर्कुलर पैचेस बढ़ जाते हैं। जब वो सर्कुलर पैचेस स्कैल्प से बढ़ जाते हैं तो वो एलोपेशिया टोटालिस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड उसमें चांसेस ये होते हैं कि पेशेंट के पूरे स्कैल्प के हेयर्स निकल जाते हैं। द कंडीशन इज कॉल्ड एज एलोपेशिया टोटालिस। एंड द थर्ड लास्टली इज एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, दैट इज मोर एग्जैग्रेटेड फॉर्म ऑफ एलोपेशिया। सो जिसमें क्या होता है स्कैल्प के अलावा बॉडी से भी हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है और हेयर लॉस हो जाता है, जैसे आईब्रोज के हेयर्स, आई लैशेज के हेयर्स, प्यूबिक रीजन के हेयर्स एंड बॉडी के आर्म्स और लेग्स के हेयर्स भी चले जाते हैं, पर ये कंडीशन टोटल रिकवरेबल है विद द मेडिकेशन। थर्ड इज टेलोजन एफ्लुवियम। सो टेलोजन एफ्लुवियम अगेन बहुत कॉमनली फीमेल में ही देखा जाता है, जिसमें फीमेल को क्राउन एरिया से हेयर थिनिंग हो जाती है, फीमेल को क्राउन एरिया से हेयर थिनिंग होती है। एंड जनरली क्या होता है इसमें जो फीमेल्स होता है, फीमेल्स को जो हेयर लॉस होता है जनरली किस वजह से होता है, इसमें ग्रोथ साइकिल आपकी जो हेयर की होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती और शेडिंग होती चली जाती है। सो ऑल्टरेशन हो जाता है, जैसे हेयर साइकिल का एक जो ग्रोइंग फेज होता है दैट इज एनाजल, जो 80-90% एक्टिव होता है, एंड शेडिंग फेज हमारा होता है 15-20% की स्टेजेस में परसेंटेज में। तो टेलोजन एफ्लुवियम में ग्रोइंग साइकिल का ग्रोथ फेज अफेक्ट हो जाता है एंड शेडिंग फेज बढ़ता चला जाता है, तो जिसमें क्या हेयर थिनिंग हेयर लॉस होता चला जाता है, हेयर उस तरीके से रीजनरेट नहीं हो पाता। फोर्थ इज लास्टली स्कैरिंग एलोपेशिया, जो आपने सुना होगा उस एलोपेशिया में हेयर रिकवर नहीं होता, उसमें आपका स्कैल्प परमानेंटली डैमेज हो जाता है, आपके फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, रीजनरेशन का कोई चांस नहीं होता, उसमें परमानेंट हेयर लॉस होता है। एंड अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट पार्ट के लिए मैं आपको बता देती हूँ, कुछ जनरल टिप्स दूंगी प्लस कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज बताना पसंद करूंगी, जो कि आप खुद ले सकते हैं उसे इजीली अप्रोच करके, प्रॉपर डोजेज वगैरह लेके आप उसको खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि इसमें हम पहले बात करेंगे, फर्स्ट मेडिसिन इज दी नेट्रम्यूल। सो नेट्रम्यूल जो कॉमनली हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं वो किस कंडीशन में देते हैं, अगर किसी भी फीमेल को या मेल को डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो आप ले सकते हैं, प्लस फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद जो हेयर लॉस होता है उसमें भी हम नेट्रम्यूल देते हैं। सेकेंड रेमेडी इज दी थूजा। थूजा में क्या होता है, थूजा हम डैंड्रफ की कंडीशन में देते हैं, जिसमें स्केली ड्राई डैंड्रफ होता है एंड हेयर्स भी आपके ड्राई हो जाते हैं, हेयर थिनिंग आपको क्राउन एरिया पे होती है, उसमें आप थूजा मेडिकेशन ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन इज फॉस्फोरस। जिस मेल फीमेल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं डेली वाइल कॉम्बिंग वॉशिंग ऑयलिंग, तो जिसमें आपका बहुत बल्क में हेयर गिर रहा है हेयर फॉल के लिए, प्लस डैंड्रफ भी है तब भी दिया जाता है, या चेंज ऑफ वेदर या चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तब भी आप फॉस्फोरस ले सकते हैं मेडिसिन। फोर्थ मेडिसिन इज द लाइकोपोडियम मेडिसिन। सो लाइकोपोडियम मेडिसिन जो दी जाती है जनरली फीमेल्स को दी जाती है मेनोपोज के बाद अगर आपको हेयर लॉस है तब भी दी जाती है, या चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग अगर फीमेल को हेयर लॉस है तब भी दी जाती है, या किसी भी फीमेल को कोई ओवेरियन प्रॉब्लम है, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी या पीसीओएस है तब भी ये मेडिसिन रिकमेंडेड है, जिसकी वजह से हेयर लॉस या हेयर थिनिंग हो रही है। एंड फिफ्थ मेडिकेशन इज द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन विच वी आई एम गोना टॉक अबाउट इज द फ्लोरिक एसिड। एक्सेमेट्स हैज वंडरफुल रिजल्ट्स इन केसेस ऑफ हेयर। सो द पेशेंट्स हु आर हैविंग हेयर लॉस आफ्टर द टाइफाइड फीवर और एनी हाई फीवर देन दे कैन टेक फ्लोरिक एसिड मेडिकेशन। अगर किसी पेशेंट को एलोपेशिया पैची हेयर लॉस है, एलोपेशिया एरियाटा है, तब भी ये रिकमेंडेड होती है फ्लोरिक एसिड मेडिकेशन से आपके हेयर रिकवर हो जाते हैं। So these are the tips. Sixth, the major thing I would like to tell you about is the diet that contains the major role in case of hair. So अगर आप scalp में diet अगर आप नहीं ले रहे proper, तो आप diet अगर अच्छी नहीं लेंगे तो hair में आपको results जल्दी अच्छे नहीं मिलेंगे। So diet में आपको protein का intake अच्छा रखना है, daily आपको iron लेना है, daily आपको एक antioxidant लेना है जो आपकी body में stress को मेंटेन कर सके, एंड आप प्रोटीन आयरन एंटीऑक्सीडेंट एंड फॉलिक एसिड एंड बायोटिन। बायोटिन इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द हेयर। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड कम से कम जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट अगर बालों के लिए लेते हैं तो मिनिमम ऑफ 2 मंथ इट इज रिकमेंडेड। 2 महीना लेके आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, रेगुलर लेना है 1 टैबलेट डेली।
एंड रही बात बालों की टेक केयर के लिए, तो मैं बोलूंगी जितना आप स्कैल्प को फ्रिक्वेंटली वॉश करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्दियों में 2 बार हफ्ते में और गर्मियों में 3 बार एटलीस्ट आपको स्कैल्प को वॉश करना चाहिए। ट्राई यही करो, एक बार जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश करो, एक वॉश नॉर्मल शैम्पू से वॉश करो। गो फॉर नॉर्मल हर्बल शैम्पूज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक यू कैन गो फॉर द आयुर, खादी, सम हर्बल शैम्पूज, जिसके जिससे क्या है आपके लॉन्ग टर्म हेयर्स आप बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म हेयर्स को, क्योंकि ज़्यादातर आप केमिकल ट्रीटमेंट वाले शैम्पूज भी यूज करेंगे जो हाईली जिसमें सल्फर वगैरह होता है, तो वो आपके हेयर्स को डैमेज करता है। जितना माइल्ड शैम्पूज आप यूज करेंगे उतने लॉन्ग लास्टिंग आपके हेयर्स अच्छे मेंटेन रहेंगे। एंड आई विल सजेस्ट यू कि ऑयलिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कैल्प, सो वन शुड गो फॉर ऑयलिंग रेगुलरली, लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार आधे घंटे से 1 घंटे तक का ऑयलिंग बहुत रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, जो आपकी स्कैल्प को नरिश करता है। जिसमें आई विल रिकमेंड यू ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल दैट कंटेन्स हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो आप कम से कम अपने स्कैल्प को हफ्ते में 1 बार तो कम से कम आप ऑयल करें और उसको रेगुलरली वॉश करें, आधा एक घंटा ही सफिशेंट ऑयलिंग। ओवरनाइट ऑयलिंग का कोई बेनिफिट नहीं होता और रिक्वायर्ड भी नहीं होता। आप जो रिक्वायर्ड होता है वो ऑयलिंग सफिशेंटली 1 घंटा इनफ होता है, आप उसको वॉश से पहले ऑयल करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू हेयर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप मुझे लिख सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोना आंसर यू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब मी एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड थैंक यू शेयरिंग योर लव। गुड बाय।